अपनी बेटी को 13 साल बाद मिलकर इमोशनल हुए राजा। एक्स वाइफ श्वेता तिवारी को लेकर कही ये बहुत बड़ी बात। क्या कहा राजा ने और क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। वेल गाइज, राजा चौधरी और श्वेता तिवारी का डिवोर्स काफी सालों पहले हो चुका है, पर 13 साल बाद अब उनकी मुलाकात उनकी बेटी पलक तिवारी से हुई है, जिसकी कस्टडी श्वेता के पास थी। तो रिसेंटली उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस गुड न्यूज को शेयर किया, एक फोटो शेयर किया है जिसको कैप्शन दिया है मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते वक्त राजा ने अपनी फीलिंग शेयर की और ये कहा कि वो काफी खुश है कि 13 साल बाद उनकी मुलाकात हुई पलक से। जब उनसे जुदा हुए थे तब पलक एक छोटी सी बच्ची थी, अब शी इज अ ग्रोन अप ब्यूटिफुल गर्ल। ऑल क्रेडिट गोज टू हिज एक्स वाइफ श्वेता तिवारी, ये कहा है राजा ने। राजा ने ये भी कहा कि जब हम मिले तब कोई ग्रजेस नहीं थे हमारे बीच, प्यार भरी बातें हो रही थी, मैंने अपने फैमिली के बारे में बातें की पलक से, अपने उनके चाचा चाची दादा दादी के बारे में बात की पलक से, और पलक काफ़ी एक्साइटेड थी इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और उन्होंने ये तक कहा है कि वो उनसे जाकर मिलेगी। राजा ने ये भी कहा है कि उन्होंने मिस किए पलक की ये जो 13 साल थे, ग्रोइंग अप ईयर्स थे, जब वो स्कूलिंग डेज हो, जो एक पिता एंजॉय करता है वो उनसे मिस हो गए हैं, पर नॉनदरलेस वो चाहते हैं कि अब उनकी और पलक के बीच सारी चीज़ें ठीक हो। वेल गाइज, राजा और श्वेता तिवारी के डिवोर्स के बाद श्वेता ने दोबारा शादी की थी अभिनव कोहली के साथ, जिनके साथ उनको एक बेटा भी है रियांश, पर अभिनव के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं चली और श्वेता ने उनके साथ डिवोर्स ले लिया। अब राजा के इस इमोशनल इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए टेली मसाला।